मुझे लगता है कि आप सभी ने एक योजना के बारे में सुना होगा और काफी चर्चित योजना है, मिड डे मील योजना के बारे में सुना होगा। और याद रखिए, ये बहुत पुरानी योजना चली आ रही है, 1995 में से शुरू हुई थी। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने अगर सरकारी स्कूल से शिक्षा ली होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपको दोपहर में खाना दिया जाता था। और हर जगह देखिए आप लोग, कई जगह इसके बदले मिड डे मील योजना के तहत डायरेक्ट पैसा दिया जाता था, कहाँ कहीं आप देखेंगे खाद्यान्न उपलब्ध करवा दिया जाता था। तो अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि आपने देखा है कि हाल ही में इसका नाम बदल कर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। और देखिए, हमारी सरकारों का एक बहुत अच्छा काम है कि योजनाओं का नाम बदलना। अब आप देखिए, कांग्रेस सरकार आएगी तो इसका दूसरा नाम बदल देगी, ये सब चलता रहता है। और आप देखिए कि कई नाम बदलते रहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस नाम बदलने की जगह इसी में अगर इसकी गुणवत्ता में सुधार की जाती तो मुझे लगता है कि बच्चों को फायदा होता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी सुनते रहते होंगे कि इसमें जो भोजन दिया जाता है उसकी गुणवत्ता क्या होती है कि दुनिया जानती है। आप देखते हैं दाल बनती है तो दाल में दाल ढूंढनी पड़ती है कि अच्छा इसमें दाल कौन सी है, कहाँ है दाल। और आप देखिए, अगर खीर बनती है तो उसमें दूध ढूंढना पड़ता है। अभी कहीं देख रहा था मैं कि कहीं वीडियो वायरल हुआ है, उसमें 1 लीटर दूध में 1 बाल्टी पानी मिलाया जा रहा है। तो आप सोचिए, इसकी सुधार होना चाहिए मुझे लगता। तो चलिए, खैर इसे हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है, और हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चंस कोई लिखने के लिए आता है, आंसर राइटिंग करते हो तब भी आप इन पॉइंटों का उपयोग कर सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और सरकारी प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी दी है। और यह योजना स्कूलों में मिड डे मील योजना के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्थान लेगी। अब इसकी जगह एक तरह से आप कहिए कि प्रधानमंत्री पोषण योजना आ चुकी है, और इसे 5 वर्ष यानी कि 2020-21 से 2025-26 की शुरुआती अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। और अभी 1-2 साल इसके निकलेंगे तब इसका हम लोग मूल्यांकन भी करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या सुधार देखने को इसमें मिला है। अगर मिड डे मील योजना की बात करें तो याद रखिए कि शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। केंद्र प्रायोजित कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार के द्वारा ये चलाई जाती थी, और शिक्षा मंत्रालय भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। और यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु दुनिया के सबसे बड़े स्कूली भोजन कार्यक्रम में से एक है। और इसके तहत आप देखेंगे एक से लेकर 8वीं तक में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के प्रत्येक बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। और आप देखते हैं कि संविधान का आर्टिकल 21 का आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार भी जोड़ा गया है, और जिसमें आप देखते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है। आप लोगों को बताना है किस संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था और कब जोड़ा गया था। खाद्यान्न की अनुपलब्धता अथवा अन्य किसी कारण से यदि विद्यालय में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता तो राज्य सरकार आगामी माह की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी। और आपने देखा भी है, कोरोना महामारी में देखा है कि पूरी तरह से लॉकडाउन था और स्कूल कॉलेज सब बंद थे, तो स्कूलों में आप देखेंगे जो बच्चे पढ़ते थे उन्हें इस योजना के बदले यानी खाद्यान्न के बदले, भोजन के बदले पैसे दिए गए। और पैसों को आप लोग देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक टाइम का भी भोजन जिस हिसाब से पैसे दिए गए उसे उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि मिड डे मील योजना में क्या काम है। अब बात आती है प्रधानमंत्री पोषण योजना की, तो इसका कवरेज आप देखेंगे इस योजना में देश भर के 11.2 लाख से अधिक स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक नामांकित 11.8 करोड़ छात्रों को कवर करेगी। इसके अंडर में आप देखेंगे 11.2 लाख स्कूल आएंगे और कक्षा ये फर्स्ट से यानी कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं लगभग आप देख सकते हैं 11.8 करोड़ छात्र इसमें शामिल होंगे। प्राथमिक 1 से लेकर 5 और उच्च प्राथमिक यानी कि 6 से लेकर 8 स्कूली बच्चे वर्तमान में प्रत्येक कार्य दिवस में 100 ग्राम
और 150 ग्राम खाद्यान्न प्राप्त करते हैं ताकि न्यूनतम 700 कैलोरी सुनिश्चित की जा सके, 700 कैलोरी ऊर्जा सुनिश्चित की जा सके। और इस योजना के तहत आप देखेंगे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में चल रहे प्री प्राइमरी या फिर बालिका वाटिका में पढ़ने वाले छात्रों को भी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वाल वाटिका एक प्रकार का प्री स्कूल होते हैं जिन्हें बीते वर्ष सरकारी स्कूलों में औपचारिक शिक्षा प्रणाली में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल करने के लिए शुरू किया गया था। यानी कि 6 से छोटे रहते हैं ना, जिन्हें आप लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि LKG, नर्सरी, UKG, इन्हें इसी तरह आप देख सकते हैं इसे भी। पोषाहार उद्यान की अगर हम बात करें तो इसके तहत सरकार स्कूलों में पोषाहार उद्यानों को बढ़ावा देगी और छात्रों को अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने हेतु उद्यान स्थापित किए जाएंगे। पूरक पोषण की बात करें तो नई योजना में आकांक्षी जिलों और एनीमिया के उच्च प्रसार वाले बच्चों के लिए पूरक पोषण का भी प्रावधान किया गया है। आकांक्षी जिलों वे जिले होते हैं जो पिछड़े रहते हैं एक तरह से, ठीक है। और यह गेहूं, चावल, दाल और सब्जियों के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार के स्तर पर मौजूद सभी प्रतिबंध और चुनौतियों को समाप्त करता है। और वर्तमान में यदि कोई राज्य मेनू में दूध या फिर अंडे जैसी किसी भी घटक को जोड़ने का निर्णय लेता है तो केंद्र सरकार अतिरिक्त लागत वहन नहीं करने संबंधी प्रतिबंध को भी हटा लिया गया है। इसमें तिथि भोजन की अवधारणा की बात करें तो तिथि भोजन की अवधारणा को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा इसमें। और तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसे लोग विशेष अवसरों या त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन प्रदान करते हैं। इसमें DBT की बात करें यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की भी बात की गई। केंद्र सरकार राज्यों से स्कूलों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करेगी जो इसका उपयोग भोजन पकाने की लागत को कवर करने के लिए करेगी। और इसका एक और फायदा होगा कि आप देखिए धांधली जवाली जी या कह सकते हैं आप लोग भ्रष्टाचार कम देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार कहीं देखने को मिलता है तो वो स्कूल लेवल पर देखने को मिलता है, आप समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है वहां भी कुछ सुधार देखने को मिल सकता है या करना चाहिए हमें। पहले राज्यों को धन आवंटित किया जाता था जिससे जिला और तहसील स्तर पर एक नोडल माध्यम मध्याह्न भोजन योजना प्राधिकरण को भेजने से पहले धन का अपना हिस्सा शामिल होता था। पहले क्या होता था कि आप सोचिए उस राज्य को दिया जाता था, राज्य से जिला, जिला से तहसील, फिर आप देखेंगे निचले स्तर पर जाता था। और आप सभी इस घटना को देखकर राजीव गांधी का वो कहावत याद आ जाएगी कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ और वो नीचे तक पहुँचते पहुँचते 10 से 12 पैसे बचता है। यानी कि बीच में आप देखिए कि उसमें इतना भ्रष्टाचार होता रहता है। ऊपर से एक आया फिर वो पहुंचा राज्य में 70 पैसे, 70 से आप देखिए कि वो पहुंचा जिला में 50-40 पैसे, जिला से नीचे गया तो आप देखिए उसमें सबका हिस्सेदारी एक तरह से बढ़ती गई। तो अब क्या होगा कि डायरेक्ट जाएगा तो डायरेक्ट स्कूलों के पास ही जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार कम देखने को मिलेगा, बस थोड़ा स्कूल के स्तर पर जो होता है उसे रोक लिया जाए तो। और इसके माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों के स्तर पर कोई चूक ना हो। पोषण विशेषज्ञ, प्रत्येक स्कूल में एक पोषण विशेषज्ञ नियुक्त किया जाना है जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि बॉडी मास इंडेक्स, वजन और हीमोग्लोबिन के स्तर जैसे स्वास्थ्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। अच्छी बात है। योजना का सामाजिक अगर लेखा परीक्षक की बात करें तो योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक राज्य में प्रत्येक स्कूल हेतु योजना का सामाजिक लेखा परीक्षा भी अनिवार्य किया गया है और जो अब तक सभी राज्यों द्वारा नहीं किया जा रहा था। शिक्षा मंत्रालय स्थानीय स्तर पर योजना की निगरानी के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को भी शामिल करेगा इसमें। अब बात करें फंड शेयरिंग की तो इसमें आप देखेंगे 1.3 लाख करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत में केंद्र 54,061 करोड़ रुपए वहन करेगा जिसमें राज्य सरकार 31,733 करोड़ रुपए यानी कि 45,000 करोड़ रुपए खाद्यान्न के लिए सब्सिडी के रूप में केंद्र द्वारा जारी किए जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो हिस्सा 54,061 करोड़ रुपए तो रहेगा केंद्र का और बाकी आप देखेंगे राज्य का। आत्मनिर्भर भारत हेतु वोकल फॉर लोकल, इसमें क्या कह रहा है, योजना के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों यानी कि EFO और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय रूप से निर्मित जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें
अब बात आती है कि चुनौती की, कि आखिर चुनौतियां क्या क्या हैं इसके सामने। तो पोषण लक्ष्यों को पूरा करना। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है जो संभवतः 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। तो ये भी चुनौती बनी हुई है। अगर हम लोग गंभीर भुखमरी स्तर की बात करें तो एक आप लोग वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में पढ़ते होंगे, जिसे आप लोग GHIV कहते हैं। तो 2020 के अनुसार हम बात करें तो 107 देशों में 94 स्थान पर हम रहे। भारत में भुखमरी का स्तर गंभीर है, यानी कि इसे आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 107 बच्चे हैं और बात की जाए कि कौन टॉप पर है, तो आप देखेंगे आपका नंबर यानी कि भारत का नंबर 94 नंबर पर है। यानी कि आप देखिए हमारी स्थिति बहुत बुरी है, हमारी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। हम लोग ऊपर से टॉप नहीं कर रहे, लगभग आप देखेंगे हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं। तो ये भी चिंता का कारण है। फिर आप देखेंगे कुपोषण का खतरा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार देश भर के कई राज्यों ने कुपोषण की स्थिति में सुधार के बावजूद एक बार पुनः कुपोषण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में विश्व के लगभग 30% अल्प विकसित बच्चे और 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 50% गंभीर रूप से कमजोर बच्चे देखे जाएंगे। कहाँ, भारत की बात कर रहा हूँ। एक और इसमें समस्या बनी हुई है, भ्रष्ट आचरण और जातिगत पूर्वाग्रह तथा भोजन परोसने में भेदभाव। इस तरह की खबरें भी आती रहती हैं, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कि आपने सुना होगा कि दलित कोई महिला खाना बनाती थी जिसके तहत मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाने। तो आप देखें मिड डे मील योजना की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपने देखा होगा कि उच्च जाति के जो छात्र रहते थे उनके माँ बाप उन्हें खाना नहीं खाने देते थे, वो कि जे गरीब ने, इसे दलित महिला ने बनाया हुआ है। तो इस तरह का भेदभाव भी देखने को मिलेगा। या फिर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो दलित बच्चे होते हैं, निचली जाति के बच्चे होते हैं, उनके बच्चों को थाली नहीं दी जाती थी, या थाली दी जाती थी तो वो उन्हीं को धोने पड़ती थी। तो इस तरह का भी भेदभाव देखने को मिलेगा। और भ्रष्ट आचरण की तो बात कर ही चुका हूँ कि हर जगह आप देखते हैं भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो ये भी चिंता का कारण बना हुआ है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि योजना जो है वो बनी रहे, ना तो उनमें नाम बदलने की कोई जरूरत है, बस उनमें आप देखिए सुधार कर दिया जाए। आप समझ रहे हैं, तो काफी हद तक हम लोग उसमें सफल भी हो सकते हैं। अब आप देखिए कि उसमें कुछ सुधार ना किया जाए, उसका नाम बदल कर कुछ भी कर दिया जाए, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, जो था वही रह जाएगा। तो चलिए 1 साल 2 साल बाद मालूम चलेगा कि आखिर इसमें सुधार हो पाया था या नहीं हो पाया था, कि वही वर्तमान स्थिति वही पुरानी स्थिति जैसी ही रही। खैर आप लोग इनके बारे में यही पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए तो उनका आंसर आप लोग दे पाएंगे बेहतर।